जब से इलेक्शन अनाउंस हुए ना जी, तब से 24 घंटे पानी आ रहा है। ये वही शिमला है जहाँ पे लगातार 16 दिन पानी नहीं आया। मैं कहता हूँ वाकई भगवान है, क्यों? बिना मैट्रिक के अगर मेरी एमए हो जाती तो मैं भी भगवान होता, और 88 में मेरे पास डिजिटल प्रिंटर आ जाता, .com आ जाता, और जो कि 10 साल हो, तो मैं भी भगवान ही तो कर सकता है ना। ये तो भगवान है, वो वाकई भगवान है। भगवान है, मानते हो आप? चलिए ठीक है भाई साहब। लोकल हो यहाँ से कि बाहर के हो? लोकल। चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं या कुछ और भी चल रहा है हिमाचल में अभी? चाय की चुस्कियाँ चलती हैं बस। आम आदमी पार्टी को मैं शिमला में फर्स्ट विकल्प बोलूंगी। अच्छा। तीसरा विकल्प नहीं बोलूंगी आम आदमी पार्टी का। अभी तक रिवाज रिवाज बदलेंगे। हाँ रिवाज, हमारा विकल्प बदलेगा। रिवाज का क्या मतलब है? शादी ब्याह हो रहा है तो वो जो ड्रोन वाली स्कीम है, अभी मंडी आए थे कुछ दिन पहले मोदी जी, उन्होंने कहा कि नौर और लाहौल स्पीति हमारा इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे आलू होते, सेब होते, वो हम ड्रोन से बेचेंगे। अच्छा। तो मुझे लग रहा है शायद वो अगली रैली में पेशेंट्स को भी ड्रोन में ही न्यू IGMC देंगे। यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हो जाएगी, बदलाव आ जाएगा। ये बोलते हैं कि सिलेंडर हम दे रहे हैं फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद भरना भी तो है, कितने का भरना है? हमने आपको शिमला माल रोड घुमाया और आपको दिखाया कि वहाँ के लोगों के हिमाचल इलेक्शन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर वो वोट करने वाले हैं। लेकिन अब हम शिमला माल रोड से थोड़ा नीचे की तरफ आए हैं, और अगर आपको पता नहीं तो बता दूं शिमला माल रोड से भी बड़ा एक बाजार है शिमला में ही, जिसे कहते हैं संजौली का बाजार। तो अब हम पहुंचे हैं संजौली, जान लें यहाँ के लोगों से कि क्या रहने वाले हैं इलेक्शन में उनके मुद्दे। तो चलिए आइए करते हैं उसकी बात। क्या बन रहा है हिमाचल में भाई लोगों इस बार? अच्छा रिपीट हो जाएगी? क्या लग रहा है? आज तक हिमाचल में कभी रिपीट हुई नहीं है गवर्नमेंट, आज तक इस बार चेंज भी हो सकती है। चेंज हो जाएगी? चेंज भी हो सकती है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा भाई कह रहा है रिपीट होगी, तुम कह रहे हो चेंज हो जाएगी। गरीबों की पहचान राकेश सिंगा। वाह वाह वाह, गरीबों की पहचान राकेश सिंगा, वैसा लीडर होना चाहिए। अच्छा वैसा लीडर, कमी है लीडरों की इसकी यहाँ पे, जो बीच में खड़ा होकर दोनों तरफ को सब लताड़ दे, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बाकी को तो यही काम है, पैसे दो और काम। अच्छा राकेश सिंह है जो पूरा लड़ रहे हैं। अल्टीमेट अल्टीमेट। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर हिमाचल में बाकी लोग क्यों नहीं CPIM की तरफ जाते? उन जैसा लीडर ही नहीं है फिर दूसरा, कोई दूसरा लीडर नहीं है, है ही नहीं है। चलिए फिर तो ये राकेश सिंह जी से पूछना पड़ेगा, उनके जैसे लीडर पार्टी क्यों नहीं लाती। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। CPIM का इकलौता ऐसा विधायक है हिमाचल में, वो है राकेश सिंघा, जिनकी अभी ये बात कर रहे थे। और उनके बारे में सुनने में ये ज़रूर आता है कि जैसे हम हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी थे तो वहाँ भी डिबेट का यही विषय था कि वो लोग बोलते हैं और वो पूरे मुद्दे उठाते हैं हिमाचल को लेकर। तो अभी यहाँ रश भी है तो थोड़ा थोड़ा बाज़ारों में ही निकलते हैं और पूछते हैं लोगों से क्या है हिमाचल का माहौल। अरे मशहूर हो रहे हो, फ़ोन रख दो भाई साहब। चलो कोई नहीं, एक मिनट काटो जरा। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो गले में दिख रहा है मुझे। जी जी, हाँ ये मुद्दे क्या है कांग्रेस के इस बार? मुद्दे सबसे पहले तो, अरे आओ यार इधर लाओ भाई, के बता सकते हैं हम जो हमारे। हाँ, 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 अरे बताओ यार जो मुद्दा तुम्हें समझ आ रहा है वो बताओ। बेरोजगारी का सबसे, आ जाओ यार भाई, तुम लोग छुप रहे हो। बेरोजगारी जो है सबसे टॉप पे चल रहा है इस टाइम। अच्छा जी, और महंगाई है जो सबको पता ही है, और अपना OPS का ज़्यादा है कर्मचारी जो अभी, हम तो चलो नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई जो, पर जो OPS मुद्दा है, वोट का मुद्दा तो है हमारे को, बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है इसका। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हिमाचल में हल्ला, हिमाचल जो है देवभूमि है, यहाँ पे लोग जो है बहुत जागरूक लोग रहते हैं और सोच समझ करके ही निर्णय लेते हैं, इसलिए बड़ा शांत तरीके से है। मुझे लग रहा है वो बोलते भी तोल ताल के ही है कि जो सरकार आएगी बाद में बताएंगे हम। हाँ जी हाँ जी, और लेकिन लोगों के अंदर कोई इस तरीके का वो नहीं होता कि कोई भड़का रहा है कि किसी के झांसे में आना है, यहाँ पे बड़े लिखे जागरूक लोग रहते हैं। अच्छा हाँ जी, ऊपर के लेवल की पॉलिटिक्स है वहाँ गांधी परिवार का दबदबा है, हिमाचल में आते हैं तो यहाँ राजा जी के परिवार का दबदबा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजा ऐसे ही लोग पसंद नहीं, वो तो लोगों की अपनी पसंद होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक मुद्दा बनाया होता है अदर पार्टी जो है ना। अच्छा
अपने को लाने के लिए हर पार्टी ये करती दिखाती है कि ये ऊपर अच्छा। की है या राज साहब का है परिवार से है। वो रजे पूजे बंदे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि कोई पैसों से मोह नहीं है उनको। कितनी सीटें आने वाली है इस बार कांग्रेस? हमारी तो 40 से ऊपर है, जो हमारा 40 से ऊपर, 40 से ऊपर। चलो बढ़िया है, मतलब एक जेन्युइन सा नंबर दिया, ये नहीं बोल दिया कि 70-80 ले आएंगे पूरे 66 में से। तो हिमाचल में हम लोग 2-3 दिन से घूम रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्टी नदारद थी, वो थी आम आदमी पार्टी, जो अभी हमें दिखे हैं लोग यहाँ पर संजौली में। सर यहाँ पे इतनी कम क्यों है लोग आम आदमी पार्टी के अभी फिलहाल प्रचार प्रसार में? देखिए प्रचार प्रसार में लोग आपको यहाँ पे कम दिख रहे हैं, एक्चुअली एमसी का जो हमारा शिमला विधानसभा सीट है वो काफी बड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हर वार्ड में लगी है। केजरीवाल जी भी चक्कर नहीं मार रहे, गुजरात का ज्यादा ख्याल है। केजरीवाल जी कल सोलन आए थे और टाइम टू टाइम वो यहाँ पे रैलियां करते रहते। सोलन की खबर ये है कि वहाँ कुछ हुआ ऐसा कि वहाँ पे भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा जो है हमारी रैली को खराब करने की कोशिश की गई, मगर एंड टाइम में पुलिस ने आके सब नॉर्मल कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं इस बार हिमाचल में? मुद्दे तो देखिए जो 75 साल पहले के थे आज भी वही है, देश वही खड़ा है। हाँ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशाखोरी, यही सब है जो हमारे को 1947 में जिन चीजों पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए आज अब जाके पहली बार 75 साल बाद इन्होंने हमने इनको चर्चा पे लाया कि नहीं आप ये सब छोड़िए, सिर्फ आप शिक्षा पे बात कीजिए, स्कूल पे बात कीजिए, व्यवस्था पे बात कीजिए, अस्पतालों पे बात कीजिए। सीपीआईएम वालों से मिल रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि जी विचारधारा की बात है, कह रहे विचारधारा तो हमारे पास है भगत सिंह की, कह रहे वो तो सिर्फ वोट ले रहे हैं भगत सिंह के नाम पे, कुछ ऐसा भी है? नहीं मान लीजिए ना आपको ऐसे थोड़ा सा इसको ना ऐसे देखिए आप, मान लीजिए हम भी कदर करते हैं उनका जो वॉलंटियरिज्म है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग काम करते हैं सर, लेकिन दिक्कत ये है आज की डेट में आपको बनाना क्या है। अब कहीं पे भी जब तक सारा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, आप फैक्ट्रियां चलने नहीं दोगे तो मजदूर का बंद करना पड़ेगा उसको फैक्ट्री, तो मजदूर रहेगा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, नशाखोरी बढ़ेगी, उसको बेचारे को वही रास्ता दिखता है। तो ये समाज में बहुत सारी कुरीतियां जो होती है उसको आपको समराइज करना है। हम 2-3 दिन से घूम रहे हैं, वैसे लोग बात क्यों नहीं करते हैं फिर आपके, ना कैंडिडेट पे कोई बात होती है? जब भी हम उनसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस आएगी अगर बीजेपी जाएगी या फिर बीजेपी रिपीट करेगी। कुछ लोग बोलते होंगे जो कांग्रेस और बीजेपी से मिले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में आते हैं, कि वो हमें देख के इतना खुश होते हैं कि बहुत बहुत किया केजरीवाल जी ने, जो केजरीवाल जी तो स्वास्थ्य पे काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, वही अगर मॉडल यहाँ पे मिले तो लोगों को क्या उसमें क्या कमी है? तो नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी, आपने की बैनर और पोस्टर की बात और झंडे की बात, देखिए ना हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं, है। नहीं 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 ये गलत है, ये गलत है आपकी। अगर मैं आपको बताऊं हम आम आदमी हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आम आदमी पार्टी के लिए आज के टाइम में। पहले तो नरेंद्र मोदी जी से ये पूछिए, उनसे मेरी एक वो है। नहीं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट आम आदमी पार्टी बहुत करती है। नहीं नहीं वो तो करती है, लेकिन हम इतने बड़े वो नहीं है कि हिमाचल में आपके साथ लोग नहीं है, दल नहीं है, इतना हम दिखावा नहीं करना चाहते। सरकार के पास इतना पैसा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पूरा पैसा देखिए, फंडिंग, एक छोटा सा आप रोड यहाँ से देखिए, एक ब्रिज, एक बहुत बड़ा ब्रिज जी, हाँ शायद वो मेट्रो चलने वाली है इस बार उसमें से, उसका आप ट्रस्ट डिजाइन भाजपा से मॉडल बनाएगी, यहाँ पे मेट्रो चलेगी और ये भाजपा का मॉडल होगा। अच्छा फास्ट जो जैसी ट्रेन चली थी वैसे वाला बुलेट ट्रेन, और आप इसके ट्रस्ट डिजाइन एक बार देखिए, कोई भी बच्चा जिसने सिविल इंजीनियरिंग का ABC भी ना पढ़ा हो वो भी बता देगा कि रोड से भैया जो सेफ्टी है, अगर मेरा जैसा व्यक्ति वहां पे इस डिजाइन को करवाता तो मैं ये कहता भैया इसमें दो बेयरिंग लगने थे, एक नीचे एक ऊपर, उसको रिवॉल्विंग बनाते, अच्छा। एक रेस्टोरेंट बन जाता, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए तो मेट्रो बेंचेस लगती, और ये चढ़ेगा कौन इस मेट्रो में, ऊपर कौन जाएगा? अब आप हैरानी की बात है। और इससे थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे 16 करोड़ रुपए का यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज तक इन्होंने पाथ बनाया है, पेडेस्ट्रियन पाथ, एक आदमी चलता नहीं है उसमें, पेड़ जहाँ पे है वो पेड़ वहीं खड़े हैं ताकि किसी का सिर फट जाए, जहाँ पे नीच में होल है वो एज इट इज खड़े हैं। जब से इलेक्शन अनाउंस हुए ना जी, तब से 24 घंटे पानी आ रहा है। अच्छा। ये वही शिमला है जहाँ पे लगातार 16 दिन पानी नहीं आया। अच्छा। और टॉप न्यूज में रहा शिमला, ये वही शिमला है जहाँ पे पानी, गंदा पानी पीने की वजह से लोग जॉन्डिस से मरे। अब तो नए हॉस्पिटल का भी उद्घाटन भी कर दिया। वो मरेंगे लोग तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ना जी, हॉस्पिटल तो चाहिए। अच्छा कुछ तो अच्छा किया होगा इन सरकारों ने, एक दो काम को जो आपको लगे हो कुछ ढंग के भी थे
एक दो काम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हाँ। 4.5 साल बाद जागते हैं ये। अच्छा। जब अगली सरकार आने की बारी आती है लगता है अपना अब हिलने वाला है। हाँ हाँ। तो अब चलो काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। जितने भी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है आप तो मीडिया में हैं, आप देख रहे होंगे आधे अधूरे कामों का उद्घाटन हो रहा है। तो हॉस्पिटल के लिए तो मैंने सुना रास्ता भी नहीं बना है वो जिसका अभी फीता जी। बिल्कुल सही सुना आपने, उद्घाटन तो हो गया रास्ता नहीं है। तो वो जो ड्रोन वाली स्कीम है अभी मंडी आए थे कुछ दिन पहले मोदी जी, उन्होंने कहा कि नौर और लाहौल स्पीति हमारा इंटीरियर एरिया है। हाँ। वहाँ पे आलू होते सेब होते वो हम ड्रोन से भेजेंगे। अच्छा। तो मुझे लग रहा है शायद वो अगली रैली में पेशेंट्स को भी ड्रोन में ही न्यू आईजीएमसी भेजेंगे। हिमाचल केजरीवाल जी का इस बार स्वागत करेगा या अगली बार? मुझे लगता है जी ये जो अंधूरी ताकत है ये इसी बार ही जाग जाएगी। या कहीं वैसा तो नहीं होगा 2017 में जैसे पंजाब में हुआ फिर 22 में आए? नहीं जी नहीं, पंजाब के बाद दिल्ली के बाद यहाँ की जनता तो जाग चुकी है। वो कह रहे हैं अभी हमने गुजरात जगाया, अभी हिमाचल जगाया नहीं सर, अभी। उनके पास नेता अभिनेता है। अच्छा। हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की बातें कर रहे हैं। हिमाचल में किसी को नहीं मिला हेलीकॉप्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं जी नहीं, घूमने फिरने के लिए हेलीकॉप्टर क्या सर, देखो हम तो पैदल घूम रहे हैं जी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। गोवा जैसी सरकार में जहाँ पे केवल हमारे विधायक दो है, आज तक उनको उठा नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस के 11 विधायक थे, 8 भाजपा लेगी। तो इनको कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को ही आप वोट दे रहे हो, और भाजपा इस बार पूरी तैयारी में रहेगी। मतलब अभी जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रही है या बीजेपी? कांग्रेस तो साफ है, देखिए देखिए दो चीजों के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो राहुल गांधी जी को मैं सच्चा गांधीवादी मानता हूँ। क्यों? एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई उसके बाद गांधी जी ने ये कहा था 47 में कि भाई कांग्रेस को हम लोग खत्म कर देंगे, और सच्चे राहुल गांधी जो है सच्चे गांधी हुए हैं, वो पूरी कांग्रेस को खत्म करके बैठाएंगे। और दूसरा मैं ये कहता हूँ जो भी लोग मोदी वो भक्त हैं, देखो उनको भक्ति का भी हक है, सब कुछ करें, लेकिन कहते वो कहते हैं जी ये तो भगवान रूप हमको शिव है। मैं कहता हूँ वाकई भगवान है। क्यों? बिना मैट्रिक के अगर मेरी एमए हो जाती तो मैं भी भगवान होता, और 88 में मेरे पास डिजिटल प्रिंटर आ जाता, .com आ जाता। अच्छा। और जो कि 10 साल तो मैं भी भगवान ही तो कर सकता है ना जी, ये जी, तो जी। भगवान है वो, वाकई ही भगवान। अच्छा, है भगवान है, मानते हो आप? हाँ, चलिए ठीक है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। चलिए बहुत शुक्रिया, आप अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखें, बाकी सवाल हम आपसे भी पूछने आएंगे अगर आप आ गए।